करते हैं किलेट प्रभाव की। किलेट प्रभाव क्या है? तो जब कोई द्विदंतु या पॉलीडेंड्रेट लिगेंड, यानी बाइडेंड्रेट या पॉलीडेंड्रेट लिगेंड, द्विदंतु या बहुदंतक लिगेंड किसी सेंट्रल एटम से जुड़ता है तो एक वलय जैसी संरचना प्राप्त होती है जिसे हम किलेट रिंग के नाम से जानते हैं, और ये जो प्रभाव रखती है वो उसका प्रभाव किलेट प्रभाव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो दो संकुल, दो कॉम्प्लेक्स लिए मैंने, एक नॉर्मल लिए, दोनों मैंने निकल के ही हैं, एक बार निकल के साथ अमोनिया जोड़ा है जो मोनोडेंड्रेट है, एक बार निकल के साथ एथिलीन डाइएमिन जोड़ा है जो बाइडेंड्रेट लिगेंड है। तो बात करें इस संकुल की, तो इस संकुल में कोई वलय जैसी संरचना नहीं बन रही है, परंतु बात करें अगर इस संकुल की, तो इस संकुल में ये तीन वलय बन रही है। ये तीनों वलय जो है वो किलेट वलय के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से ये जो चक्रीय संरचनाएँ हैं वो क्या हैं? आपकी किलेट वलय है। और इस किलेट इफ़ेक्ट को प्रभावित करने वाले कई कारक भी हैं कि जैसे ये कितने रिंग वाली किलेट वलय है, ये पांच वाली हैं, इसमें पांच एटम इंक्लूड है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर तीन सदस्यीय किलेट वलय बनती है तो वो कम स्थायी होती है कंपैरिजन टू अगर वो 5 मेंबर रिंग होगी या फिर 6 मेंबर रिंग होगी। पहली बात तो ये कि किलेट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो उस कॉम्प्लेक्स को स्थायित्व ज़्यादा प्रदान करेगी। दूसरी बात करें, नंबर ऑफ किलेट रिंग्स जितनी ज़्यादा होगी, जैसे इसमें तीन हैं, ऐसा ही एक एग्जांपल ले लूँ जिसमें निकल हो, जिसके साथ EN2 जुड़ा हो, मतलब दो जुड़ा तो दो किलेट पहले मिलेंगी, इसमें तीन बन रही है, तो अगर स्थायित्व की बात करें तो इसका स्थायित्व इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर तीनों के स्थायित्व की बात करें तो इसका स्थायित्व, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई भी किलेट वाले पाई नहीं जा रही है। इस संकुल के अंदर तीन किलेट वाले प्रेजेंट है और इसके अंदर दो किलेट रिंग प्रेजेंट है। इस तरह से जितनी ज़्यादा किलेट रिंग होगी उतना ही ज़्यादा उसका संकुल का स्थायित्व होगा। इस तरह से हम इस किलेट प्रभाव को समझ सकते हैं।